वेलकम टू अवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप एंड ड्रिंक्स की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, फिर भी किसी का कोई भी डाउट हो एग्जांपल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो ग्रुप में एक बार पीडीएफ देख लेना, वहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर हम डाउट क्लास करेंगे उसमें भी पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में अभी हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो उसमें आप किसी एलिमेंट की पावर कैसे करोगे, है ना। जैसे सिंपल मैथ में तो आपको पता है कि चलो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 की खुद से मल्टीप्लाई करनी है एक बार और, है ना। तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी ऐसे, तो उसको बोलते हैं 2 raised to power 2, है ना। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ही होगा। ओके, तो अगर मान लो आपके पास कोई भी ग्रुप है जी, उसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो हो गई, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस तो होती है। उसके अलावा कोई और मान लो दूसरा एलिमेंट है, सपोज ए है, फिर बी है, सी है, या ऐसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब आपको बात करनी है कि इनकी पावर कैसी दिखेगी, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो ए स्क्वेयर और मान लो इस ग्रुप के साथ ऑपरेशन अपना स्टार, बाइनरी ऑपरेशन, ओके। तो जब हम ए स्क्वेयर लिखेंगे, वैसे तो यूजली मतलब क्या होता है कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन मल्टीप्लाई ही का ही हो, तो इसलिए हम लिखेंगे ए स्टार बी। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम ए क्यूब लिखेंगे तो दैट मीन्स ए स्टार बी एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो बेसिकली आपको रिप्लेस करना है जो भी ऑपरेशन हो क्वेश्चन में दिया हुआ, वो यहाँ पर स्टार लगा देंगे और वो पावर्स हैं। ओके, इसी तरह से इनवर्स में आएगा, बट इनवर्स में अभी हम ऐसा तो नहीं है कि ए को -1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो हम अलग से देखेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो ए -2 होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ ए स्क्वेयर। तो पॉजिटिव पावर्स तो आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई कर करके। फिर ये जो मल्टीप्लाई करके एक नया एलिमेंट आया है ना ए स्क्वेयर, ये ग्रुप का ही है ना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए भी जी का है, ये ए भी जी का है। तो इनकी जब हमने कंपोजिशन की या जब हमने इनका आपस में ऑपरेशन लगाया, तो जो नया एलिमेंट आया ये भी ग्रुप का होगा, है ना, ये भी ग्रुप का है। तो अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो भी इसका इनवर्स होगा उसको हम ए की पावर -2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन सजेस्ट, ए की पावर जो -3 होगा उसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, उसको हम कहेंगे दिस इज इनवर्स ऑफ ए की पावर 3, ओके। और ए की पावर 1 तो आपको पता ही है, तो ए की पावर 1 इज बेसिकली ए ही होगा। और जब हम ए की पावर -1 करेंगे, ये तो ये हमने लास्ट वाली वीडियोस में भी पढ़ा है, दिस इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब बात आती है ए की पावर 0 की। तो ए की पावर 0 वैसे 1 होता है, लेकिन 1 क्यों होता है, 1 इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी हम ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 लिखते थे, तो वहां पर ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन का होता था, और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम इन वेरी जनरल वे में अगर हम लिखें, तो स्टार के ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जो भी आइडेंटिटी आएगी वो ए की पावर 0 होगी, ठीक है, तो वो ई आएगा, बी की पावर 0 भी ई आएगा। कोई भी एलिमेंट लो ग्रुप का, सबकी पावर 0 करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ओके, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पता चल गया पावर्स कैसे ट्रीट करेंगे। पॉजिटिव पावर्स निकाल सकते हैं, नेगेटिव पावर्स उनका इनवर्स करके निकालेंगे, ओके। अब देखो थ्योरम्स है अभी हमारी कुछ, एग्जांपल्स तो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम्स है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि कोई भी आपके पास एक ग्रुप है जी, तो आइडेंटिटी और इनवर्स हमेशा यूनिक होते हैं। तो हम लिखते हैं थ्योरम 1. जो भी है थ्योरम 1, तो 1.11 आर्टिकल है जीवन सन पब्लिकेशन बुक में, और थ्योरम नंबर 1, ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक ग्रुप है जी,
और ऑपरेशन है स्टार्ट. दिस इज ग्रुप, ये आपको गिवन है. तो आपको प्रूफ क्या करना है देन, पहले तो कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक. यूनिक और सेकंड में कि जो इनवर्स होगा ऑफ एवरी एलिमेंट वो भी यूनिक होगा. ओके तो ये दो चीजें प्रूव करनी है. चलो फर्स्ट प्रूफ करते हैं. देखो फर्स्ट में अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यूनिक होगा, है ना. तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो आइडेंटिटी मान के चलो, उन दोनों को इक्वल दिखा देंगे. तो मान लो लेट E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज ऑफ G. मान लो इस G के पास दो आइडेंटिटीज है ना. देन वी हैव टू शो, क्या प्रूफ करना है, दैट E1 इज इक्वल टू E2. ये प्रूफ करना है अपने. अब देखो E1 भी आइडेंटिटी है, E2 भी आइडेंटिटी है, तो दोनों आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना. और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन करो तो वही एलिमेंट आ जाएगा जिसके साथ ऑपरेशन किया था. तो यहाँ पर अगर आपकी A कंपोजिशन E1 के साथ करो या E1 की कंपोजिशन A के साथ करो तो A आएगा. सिमिलरली अगर आप A की कंपोजिशन E2 के साथ करोगे और E2 की कंपोजिशन A के साथ करोगे तो हमेशा ही E2 आएगा. दिस दोनों की दोनों ही ट्रू है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G. G का कोई भी एलिमेंट लो आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने को मिलेंगी, क्योंकि E1 भी और E2 भी दोनों आइडेंटिटी मान के चले. क्लियर. चलो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये ना हर एक के लिए ट्रू है, और देखो ग्रुप के अंदर अब E1 और E2 तो है ही ना, जी के अंदर दो एलिमेंट, जी के अंदर हमेशा आइडेंटिटी होती है, ठीक है. तो अभी हमारा जो ग्रुप होगा जी वो किस तरह से दिखेगा, एक E1 है, एक E2 है, कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. मान लो मैंने लिखा कुछ भी A B C D, है ना, ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं. तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि इस E1 की मैं किसी के साथ भी कंपोजिशन करूँ तो वही एलिमेंट आएगा. तो मैं E1 की E2 के साथ करूंगी तो E2 आना चाहिए ना. तो बाय दिस वन इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको बोलेंगे सेकंड. बाय वन अगर हम A की जगह E2 रखें तो E2 कंपोजिशन E1 इज इक्वल टू E1 कंपोजिशन E2 इज इक्वल टू E2. बस हमने A की जगह E2 ही तो रखा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना ये किसके लिए ट्रू है, जी का कोई भी एलिमेंट लो और जी का एलिमेंट तो E2 भी है. इसलिए इसी तरह यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर भी ये सबके लिए ट्रू है तो हम यहाँ पर एक ही जगह E1 रख सकते हैं. तो सिमिलरली बाय टू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि E1 कंपोजिशन E2 के साथ या फिर E2 की E1 के साथ क्या आएगा, E1, है ना, बाय दिस रिजल्ट. रुको यहाँ कुछ तो, हाँ यहाँ A आएगा ना. ओके ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ये आपकी थर्ड है और ये फोर्थ है. देखो ये वाली चीज ये है और ये वाली ये है, है ना. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इनका जो इक्वल टू वाला साइड है वो भी तो इक्वल होगा. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यहाँ से E1 कंपोजिशन E2 इज इक्वल टू E2 कंपोजिशन E1 इज इक्वल टू E2 एंड इज इक्वल टू E1, ठीक है. तो यहाँ से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि हम जो दो आइडेंटिटीज मान के चले थे वो दो अलग अलग नहीं है, वो दोनों इक्वल ही हैं. तो यहाँ से हमारी क्या हो गई, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव हो गई. तो यहाँ से देयरफॉर आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, ठीक है, प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड वन। सेकेंड में आपको क्या दिखाना है कि अगर आपको ये एक एलिमेंट लोगे और उसका इनवर्स निकालोगे ना, तो इनवर्स एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। तो मान लो लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जी का। अब आपको दिखाना है कि इसका जो इनवर्स आएगा वो एक ही आएगा। तो मान लो लेट ए वन एंड ए टू बी टू इनवर्सेस ऑफ ए। मान लो ए के पास दो इनवर्स हैं, है ना, तो हमें दिखाने की ए वन और ए टू इक्वल होने चाहिए। देन वी हैव टू शो क्या ए वन इज इक्वल टू ए टू। ओके, ये प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं। देखो ए वन भी इनवर्स है ए का और ए टू भी इनवर्स है ए का, तो एज ए वन इज इनवर्स ऑफ ए, देन इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए की कंपोजिशन करोगे ए वन के साथ और ए वन की कंपोजिशन करोगे ए के साथ, तो आइडेंटिटी आएगा, है ना, इनवर्स की यही डेफिनेशन है। सिमिलरली फॉर ए टू ऑल्सो, ए टू इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। देन अगेन सेम रिजल्ट, ए की कंपोजिशन ए टू के साथ इज इक्वल टू ए टू की कंपोजिशन ए के साथ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, ये आया हमारे पास फर्स्ट सेकंड। अब देखो हमको दिखाना है ए वन इज इक्वल टू ए टू, है ना, यहां से डायरेक्ट तो आएगा नहीं, जैसे कि पिछले वाले में दोनों इक्वेशन सेम ही थी तो उसमें तो ये राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम इन दोनों में से कोई एक लेके चलेंगे, उसको दूसरे के इक्वल दिखा देंगे। तो मान लो आप लेके चले ए वन, कंसिडर ए वन, तो ए वन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए वन की कंपोजिशन आइडेंटिटी के साथ, क्योंकि ये तो रिजल्ट ही है कि आइडेंटिटी की किसी से मल्टीप्लाई करो तो वह ही आएगा, है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ही। तो साइड में ना हर एक का रीजन लिखो कि क्यों आ रहा है ये, ऐसा क्यों लिख रहे हो, इस चीज के नंबर मिलेंगे और इसी चीज के नंबर कटेंगे अगर ये नहीं लिखा तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे ना कैसे करके ए टू लेके आना इधर। तो आप एक काम करो, इसका यूज करो सेकेंड इक्वेशन का। कैसे करोगे, या तो आप ये लिख सकते हो e की जगह, क्योंकि e की वैल्यू इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, है ना। तो एक बात देखो, पहले मैं ये वाला रखती हूँ, सपोज ये वाला लिया आपने, ये लिखा, फिर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो उससे ना ब्रैकेट एक्सचेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन ए वन स्टार ए टू का कोई रिलेशन पता नहीं है अपने को, ठीक है, इसलिए ये वाला लेना ना बेनिफिशियल नहीं है, इसको मत लो। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले ये लेको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गलती हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि सीधा मैं रट्टा मरवा रही हूँ कि नहीं आपको यही लेके चलना है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि दूसरा क्यों नहीं लेके चलना है, क्योंकि इसके आगे अभी हम आगे चल नहीं पाएंगे, इसलिए सेकेंड वाला नहीं लेंगे, फर्स्ट वाला लेंगे। उससे देखो क्या होगा, पहले आप ई की जगह ये रखो तो ए वन स्टार ए टू, ठीक है, ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन टू, टू से। अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट एक्सचेंज कर सकते हो, इज इक्वल टू ए वन स्टार ए टू, लिखना सारा कुछ ब्रैकेट में बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब देखो, अब इसको पता है आपको, देखो यहां पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, ए वन स्टार ए की वैल्यू है ना आपके पास, इसलिए बोला मैंने कि ये वाला यूज होगा ये वाला नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट का यूज करके ए वन स्टार ए की वैल्यू कितनी है, ई स्टार ए टू, तो यहाँ पे लिखो अब बाय वन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। अब आइडेंटिटी के किसी के साथ भी ऑपरेशन करो तो वही एलिमेंट आता है ना, तो ए टू आएगा बाय प्रॉपर्टी या फिर बाय डेफिनेशन ऑफ ई, ओके। तो यहां से देखो लेके क्या चले थे, ए वन किसके इक्वल आ गया, ए टू के, तो देयर फोर ए वन इज इक्वल टू ए टू, इसका मतलब देयर फोर एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज यूनिक इनवर्स, ओके। हर एक एलिमेंट के पास एक ही इनवर्स है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं है, ये चीज हमें ध्यान रखनी। चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर जी आपका ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ए इनवर्स का इनवर्स ए दिखाना है और ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए दिखाना है, ठीक है। थ्योरम टू, तो इन्होंने कहा है कि आपके पास जो जी है और उसको ऑपरेशन मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है, ये दिया है आपको बी ए ग्रुप, यहाँ पर लेट लिख लेते हैं, ठीक। तो वी हैव टू प्रूव फर्स्टली दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा, एंड सेकंड थिंग इज ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। इजी है ये, तो एकदम से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कैंसिलेशन लॉस, ठीक। चलो तो पहले इसको करते हैं प्रूफ। फर्स्ट देखो ए इनवर्स का इनवर्स हमें बताना है कि ए आना चाहिए, है ना। तो पहले तो ए इनवर्स का ए से क्या रिलेशन है, ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, तो इससे क्या पता चलेगा, दैट मींस ए का ऑपरेशन करो ए स्टार के साथ ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स को ए के साथ करेंगे तो हमें ई मिलेगा, और यहां पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का तो यहां पे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो डॉट और यहां पर भी डॉट, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई बोल दिया तो मल्टीप्लाई लगा दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार लगा सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हमें प्रूफ करने की ये स्टार का ए इनवर्स का इनवर्स हमारे ए आना चाहिए, तो यहाँ पर लेट ए इनवर्स को बी मान लो, ठीक है, बी मान। तो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि बी का इनवर्स ए आना चाहिए, है ना, ये प्रूफ करना है ना अपने को। देखो और अगर आप ध्यान से देखो, B इनवर्स अगर A आना चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, B इनवर्स कैसे आएगा, B इनवर्स ऐसे आएगा ना कि A की B के साथ मल्टीप्लाई करो या B की A के साथ मल्टीप्लाई करो तो E आ जाए, तभी तो B का इनवर्स A बनेगा बाय द डेफिनेशन। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन, और इसको ध्यान से देखो आप, तो यहां पर ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो यहां से पता चल रहा है कि इस एलिमेंट की मैंने इससे मल्टीप्लाई की, सिमिलरली इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी आ रहा है ना। तो यहां पर अगर मैं ए इनवर्स को बी मान लू तो यहां से ए इंटू बी और बी इंटू ए आइडेंटिटी आ गया ना।
सो दैट मीन्स यहाँ से मुझे पता चला दैट इज ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो ए होता है बाय द डेफिनेशन, कि इस एलिमेंट का इनवर्स क्या आएगा ये, तो इस एलिमेंट का मैंने ऊपर इनवर्स लगाया तो ए आएगा, ठीक है, बाय द डेफिनेशन. ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड में हमें प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यही चीज प्रूफ करके दिखानी है ना. तो वी हैव टू प्रूफ कि जब आप ए बी की मल्टीप्लाई करोगे बी इनवर्स ए इनवर्स से और बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे ए बी से तो आइडेंटिटी आना चाहिए. तो ये प्रूव कर दिया तो हो जाएगा इनवर्स. तो एक बार ये लेके चलो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट एक्सचेंज कर सकते हो आप. तो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स यहां पे लिख देना बाय एसोसिएटिविटी. ओके, अब बी बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा. सो दैट मीन्स ए आइडेंटिटी ए इनवर्स और यहां पर लिख दो बिकॉज बी की बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है. नेक्स्ट, वापिस से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो ए को ई के साथ मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू ए, है ना, क्योंकि ए इनटू आइडेंटिटी ए आएगा ए इनवर्स, बिकॉज ए की ई के साथ करो या ई की ए के साथ करो ए आएगा. नेक्स्ट ई, व्हाई, बिकॉज ए की ए इनवर्स के साथ करो या ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो ई आता है. हर एक लाइन का रीजन दो. तो यहां से मुझे पता चला कि ये वाली वैल्यू ई के इक्वल आ गई, तो ये पार्ट तो हो गया, ये दिस इक्वल टू दिस, ठीक है. अब अदर वे अराउंड करते हैं, उल्टा, अब ये लेके चलो और इसको भी ई के इक्वल दिखाएंगे. तो देखो यहीं पे करते हैं, अब हम लेके चलेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी. अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी इनवर्स ए बी साइड में लिखेंगे एसोसिएटिव. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स, यहां पर आइडेंटिटी आएगा और ये बी आएगा, बाय किससे, ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है. नाउ दिस इज बी इनवर्स इंटू ई इंटू बी, यहां पर लिख दो एसोसिएटिविटी, सिर्फ ब्रैकेट एक्सचेंज किया है, इज इक्वल टू बी इनवर्स बी. क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी की किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आता है, है ना. नाउ दिस इज इक्वल टू ई, बिकॉज बी इनवर्स की बी से करो या बी की बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो इस पार्ट से और इस पार्ट को दोनों को मिला के ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आया, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आया. सो दैट मीन्स इस एलिमेंट का इनवर्स ये है, ठीक है. तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया. ओके, नेक्स्ट है हमारा कैंसिलेशन लॉ. हाँ, तो कैंसिलेशन लॉ ये कहता है, आपके पास थ्योरम 3, एक ग्रुप है और स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग हमको प्रूफ करनी है सो दिस इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल A, B, C belongs to G. And similarly for the second thing, अगर B A है और C A है, B is equal to C. Again, same thing. ठीक है, ये प्रूव करना, और A की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये बोला उन्होंने.
ओके सो इस थ्योरम में देखो क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जैसे हम ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, बट कैंसिल ऐसे नहीं करना, हम लिखेंगे बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। तो इस थ्योरम का नाम ही क्या है, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल कर रहे हैं ना, पहले लेफ्ट से कैंसिल किया, इधर राइट से कैंसिल किया। ओके तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करनी है, पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो अभी हमारे पास ये है गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, ये है। तो आप क्या करो, आपको कैंसिल क्या करना है, ए से ए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो अभी हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई by A inverse on both sides, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, A inverse A star B is equal to A inverse A star C। अब हम सिर्फ associativity का use करेंगे, bracket exchange हो गए, ब्रैकेट में लिख दो बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है। और ये एक वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई के। तो ई स्टार बी इज इक्वल टू ई स्टार सी, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू सी आर। तो इसके लिए रीजन है हमारा कि ए स्टार ए से, या फिर ए इंटू ए स्टार करो तो ई के इक्वल होता है, और यहाँ पर ई की बी से करो या बी की ए से करो तो बी आता है, कुछ भी हो चाहिए, है ना, सी हो चाहे सी आएगा, बी हो तो बी आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा बी और सी इक्वल आ गए, यही हमें प्रूफ करना था। सिंपल सी बात है, आपको प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको कैंसिल करना है अपना टर्म। ओके नेक्स्ट, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, सी स्टार, ये गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ए इनवर्स से यहां पे भी की और यहां पर भी। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल टू बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनको साथ साथ में कर लो, बाय, ये मैं इसलिए लिख रही हूं बार बार ताकि आप लोग भी जब अपने नोट्स बनाओ तो लिखो और एग्जाम में भी याद रहे, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूं, इज इक्वल टू बी स्टार ई इज इक्वल टू सी स्टार ई। यहाँ पर भी हमारे रीजन वही है कि ए ए स्टार ए इक्वल टू नेक्स्ट इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पर भी कि बी ई के साथ करो, ई की बी के साथ करो तो बी आता है, सिमिलरली सी की ई के साथ या ई की सी के साथ तो सी आता है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से ये भी इक्वल हो गए। तो ये सिंपल सा कैंसिलेशन लॉ यही कहता है कि आपको प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है, जिससे भी आप उसको कैंसिल करना चाहते हो। ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब भी हम ये चीज यूज करेंगे तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ। ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह चलो आ गया तो कैंसिल कर दिया, ए से ए काट दो, बी से बी काट दो, नहीं ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट थ्योरम इज, उसके बाद एग्जाम्पल्स है, थ्योरम नंबर 4 है हमारी, वही हमको ग्रुप दिया है विद डॉट ऑपरेशन। अब यहाँ पर डॉट वो यूजली बोलते नहीं है, कभी कभी मल्टीप्लाई एज्यूम भी कर सकते हैं और कभी कभी नहीं भी, ठीक है। तो ये ग्रुप दिया है अपने को और प्रूफ बोला है कि देन हमें प्रूफ करना है ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इंटू ए इज इक्वल टू बी, इन सब के पास यूनिक सॉल्यूशन है,
बस पहले तो प्रूफ करो कि सॉल्यूशन है, फिर ये प्रूफ करने की यूनिक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालो और यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालो, है ना, ये बोले। तो जैसे अभी नहीं किया कैंसिलेशन लॉ में, तो आपको जो कैंसिल करना है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो प्रूफ, हमारे पास एक ये सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर आपको x निकालना है तो आपको a से कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो आप एक काम करो प्री मल्टीप्लाई बाय किससे, a इनवर्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a इनवर्स a इंटू एक्स a इनवर्स b, है ना। और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करो, a इनवर्स इंटू a x a इनवर्स इंटू b, या और a इनवर्स इंटू a आपको पता है कि क्या होता है e, तो e इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, एंड दैट मीन्स दिया आया। तो रीजन लिखेंगे हम साइड में, यहाँ पर तो आएगा एसोसिएटिव और यहाँ पर वो a इनवर्स a किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी के, और यहाँ पर e इंटू x e के, सॉरी x के, ठीक है, रीजन लिखेंगे साइड में। इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसी तरह से इसका निकालो y वाले का। तो y डॉट a इज इक्वल टू b है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करो किससे, a इनवर्स, ठीक है। तो हमें मिलेगा y a इनवर्स, डॉट लगा देना, एंड b इंटू a इनवर्स। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, और फिर ये हो जाएगा e y इज इक्वल टू b डॉट a इनवर्स। तो साइड में रीजन लिख दो, एसोसिएटिविटी a इंटू a इनवर्स आइडेंटिटी और y इंटू e y, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो हमारे पास दोनों के आ गए हैं, अब हमें दिखाना है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब है कि आपके पास दो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो सेम होने चाहिए, है ना। तो मान लो जैसे इसके लिए करते हैं, लेट a डॉट x इज इक्वल टू b हैज टू सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशंस मान लो, लेट x1 एंड x2, ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हैं ऊपर सिस्टम के इसके। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो a डॉट x1 b होगा, सिमिलरली a डॉट x2 b होगा, ओके। इन दोनों में ही आप क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो a से, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसी तरह से चलाएंगे पूरा, यहाँ पर x1 आएगा और यहाँ पर x2, तो जैसे ही आप चलाओगे तो ये आएगा a इनवर्स a x1 इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो फिर ये वापस है आपका a इनवर्स इंटू a यहाँ पर x1 इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसी तरह से जैसे चलाएंगे तो x1 की वैल्यू आएगी a इनवर्स b, ठीक है, साइड में रीजन लिख देंगे। सिमिलरली फॉर दिस, जैसे इसके लिए करेंगे a इनवर्स a डॉट x2 इज इक्वल टू b, फिर ऐसे हो जाएगा, सॉरी इधर भी तो मल्टीप्लाई करनी थी ना, a इनवर्स b, a इनवर्स b, और यहाँ पर आ जाएगा e इंटू x2 इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो यहाँ से x2 की वैल्यू a इनवर्स b। तो देखो x1 की भी वही वैल्यू आई, x2 की भी वही वैल्यू आई, तो इसका मतलब तो x1 और x2 इक्वल है ना, अलग अलग नहीं हुए, ओके। तो यहां से हमारा x1 और x2 सेम आए, सेम चीज यहां पर करेंगे, एग्जैक्ट सेम। तो यहां पर भी ऐसे ही करोगे, ये होमवर्क दे रही हूं मैं, कि हम क्या करेंगे, लेट y1 एंड y2 बी टू सॉल्यूशंस। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे ही सेम प्रोसीजर करना है, ऑफ किसके, y डॉट a इज इक्वल टू b, इसके दो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब एक बार तो y1 डॉट a इक्वल टू b आएगा,
y2 dot a equal to b. दो सॉल्यूशन है. नाउ अब आपको प्रूफ करना है कि y1 भी इक्वल होगा b into a इनवर्स के और y2 भी इक्वल होगा b into a इनवर्स. तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि दोनों के पास सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है, और दोनों के पास यूनिक सॉल्यूशंस भी हैं. ओके, तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गई. बताना अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो तो पूछना. अदरवाइज हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई है. जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे हम क्वेश्चंस करेंगे. थैंक्स फॉर